नमस्कार दोस्तों भी हम देखें दोस्तों धामपुर सुगर के शेयर में 11 सितंबर के लिए हमें क्या 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 से टारगेट को ध्यान में रखना है दोस्तों नोटिस कर सकते हो धामपुर सुगर का हमें दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है ओवरली स्टॉक आपको यहाँ से क्लियर लेके ऑप्टरन में कंटिन्यू करता दिखाई दे रहा है तो इसी को, को नोटिस करते हैं स्टॉक हमें सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो अभी की कंडीशन के लिए आपको दिखाई दे रहे है टू नाइन्टीटी में है रेजेंस है जब इसको ब्रेकआउट करेगा नेक्स्ट रहेगा दोस्तों तीन या फिर अपनी थ्री का रही सन्स जो कि इसका टारगेटेटेटेटेट भी है ठीक है दोस्तों अगर हम बात करें धामपुर सुगर को डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम चार्ट को नोटिस करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है स्टॉक यहाँ से दिखाई दे रहा स्टॉक यहाँ से एक ऑप्ट्रेड में कंटिन्यू कर रहा था तो उसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया उसके बाद स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो अभी कंडीशन के लिए 295 या 296 का जो रेजिस्टेंस लाइन है वो इंपॉर्टेंट है अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तभी ये स्टॉक आपको क्लियरली ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर धामपुर सुगर के शेयर में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से कौन से लेवल्स और टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए तो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ये रहेगा रेजिस्टेंस लाइन टू एटी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव में नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल जाएगा टू नाइनटी का सपोर्ट लाइन की अगर बात करें तो ऐसे तो जहाँ पे ये स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है वो एक सपोर्ट लाइन अगर इसको ब्रेक डाउन करता तो है तो नेक्स्ट सपोर्ट लाइन रहेगा टू सेवेंटी फोर पॉइंट सेवन जीरो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी दबाइए वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन परपज बनाए गए स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह है सुझाव नहीं सो धन्यवाद दोस्तों